वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे। यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। ये रहा मेरा बैग, रेडी है, अभी मैं निकलूँगी। आई वॉन्ट टू बाई सम क्लोथ्स बिकॉज आई एम गोइंग टू पार्क टमोरो, दैट्स वाई। सो मुझे देखना है वहाँ पे एक मार्केट है, क्योंकि कल मैं मॉल गई थी सो वहाँ पे तो मुझे नहीं मिला। जो नायलॉन का क्लोथ चाहिए होता है वाटर पार्क में, सो जाके फिसले, बट मेरे पास है नहीं। और कल मैंने लिया है एक, बट वो मुझे थोड़ा जम नहीं रहा है। सो मार्केट में शायद मिल जाए, जो नॉर्मल मार्केट लगते हैं वीकेंड वीक में, आई थिंक फ्राइडे और संडे लगता है जहाँ मैं जा रही हूँ। सो मुझे वहाँ एक बार चेक करना है, मे बी शायद वहाँ मिल जाए। सो चलो आप लोग को भी दिखाती हूँ वहाँ मैं क्या क्या खरीदती हूँ और मार्केट कैसा है। बाय बाय। और ऐसा मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये ड्रेस मैं बाहर गई थी ना बेल्जियम, तभी भी मैंने लेके गई थी साथ में, बट पहना नहीं। आज मेरा मन किया कि मैं इसे वेयर करूँ। आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और बेल्जियम का जो टूर का मेरा ब्लॉग है वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अभी तक वो भी एडिट नहीं हुआ है। सो वो भी बहुत जल्दी एडिट करके और अपलोड। अभी मैं स्टेशन पहुँच गई हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे कल वाटर पार्क जाना है। सो मुझे उसके लिए कपड़े लेने हैं, नायलॉन के कपड़े वहाँ लगते हैं। सो मैं मॉल गई थी कल, बट लिया तो है बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ उससे। सो अगर यहाँ मुझे प्रॉपर मिल जाएगा जैसे मुझे चाहिए सो मैं बाय कर लूँगी। ये रहा मेरा बैग, और पॉसिबल होगा तो आप लोगों को भी मार्केट दिखाऊँगी, जैसा जो रहेगा वहाँ पर वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी मॉर्निंग का टाइम है तो यहाँ आपको बिल्कुल भी पब्लिक नहीं दिखेगी। अभी लंच टाइम जैसे ही होगा तो बाप रे पता नहीं पब्लिक फिर कहाँ से आ जाती है, इतना रश हो जाता है। अभी यहाँ से मुझे मार्केट के लिए जाना है। ये मार्केट है बट काफ़ी बड़ा मार्केट है, वहाँ तक है। यहाँ पे घर के सारे आइटम ऐसे हैं, बट वही है अभी मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। ये अभी मुझे याद है मुझे शूट करना था, मैं वो टी शर्ट ढूंढने के चक्कर में मेरा रह गया। और ये वाली मार्केट पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आई थिंक मेरा सेकंड वीडियो था इस पर। और यहाँ पे जो ऐसे मार्केट लगते हैं, यहाँ पे ऐसे सस्ती चीज़ें नहीं होती है, कभी कभी मॉल से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट यहाँ पे एक बात अच्छी है कि फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर ये सब मिल जाते हैं। और ये मार्केट काफी बड़ा है और इसमें ना वैरायटी, मतलब ये बड़ा होने की वजह से यहाँ पे काफी कुछ एक साथ मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे रश बहुत होता है। देखिए शूज वगैरह ये सब 65 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो, मीन्स सस्ता नहीं है, सस्ता मतलब कॉस्टली है। सो ठीक है, बट वैरायटी मिल जाती है, एक साथ चीजें एक जगह पे मिल रही है वो इम्पोर्टेंट है। सो इसके लिए यहाँ पे रश ज्यादा होता है। मेरे यहाँ पे भी आसपास दो बड़ा मार्केट है बट वो दोनों भी कॉस्टली है। बस अभी मैं जा रही हूँ, कुछ लंच कर लूँगी, फिर मुझे मॉल में एक दो शॉप में काम है वो करके फिर मैं घर जाऊँगी। पता नहीं यहाँ पे ये क्या हुआ है, पूरा सब जलाया है कि क्या किया है, नो आइडिया। सब पुरानी पुरानी चीज़ें, या गाड़ी है। ये देखो लंच के लिए मैंने ये चिप्स लिया है, ये नाचोस की तरह होता है, और ये बाउल है, चिपोटले में आई हूँ। यहाँ पे सैलेड जैसा ही रहता है बट थोड़ा गर्म होता है, और एक कोक अभी मैं खाऊंगी। Qui est parti, qui est remplacé par Vincent, et c'est Vincent est parti. Et c'est là,
इसके बाद मैं मॉल गई, बट मैंने वहाँ कोई शूट नहीं किया क्योंकि एक्चुअली मैं भूल गई थी शूट करना, और प्लस मेरे पास समय बहुत कम था क्योंकि मुझे रियांश को भी पिकअप करना था। सो मुझे फटाफट शॉपिंग करके उसे पिकअप करने के लिए जाना था। सो मैं सॉरी भूल गई, बट मैंने क्या शॉपिंग की है वो इस ब्लॉग के एंड में या नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ज़रूर शेयर कर दूंगी। और मेरे कुछ ट्रैवलिंग ब्लॉग्स थे जो मैंने पिछली बार बोला था, बट वहाँ उसमें थोड़ा एडिटिंग में प्रॉब्लम आ रहा था, इसके वजह से वो अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो वो प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व किया है, उसे एडिट किया, और मे बी नेक्स्ट ब्लॉग या उसके नेक्स्ट ब्लॉग में वो अपलोड करूँगी। और वो बहुत अच्छे ब्लॉग्स हैं, सो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा ताकि मेरे ब्लॉग्स आप देख सकें। और ये ब्लॉग कैसा लग रहा है वो भी कमेंट के थ्रू बताइए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए, और ऐसा ही अपना प्यार मुझे देते रहिए ताकि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग। हो गया मेरा लंच, अभी मुझे मॉल के एक शॉप में जाना है, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी और फिर उसके बाद रियांश को लेने के लिए जाऊँगी क्योंकि पिकअप टाइम हो गया रहेगा तब तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। होप आप सभी अच्छे होंगे, यहाँ मैं बहुत अच्छी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ वाटर पार्क, उसी के लिए निकले हैं वो रहे वो दोनों। बट आई एम सो एक्साइटेड, बहुत धूप है आज, बहुत ही ज़्यादा धूप है। अभी ट्राम से जाएंगे, ट्राम हमारे यहाँ से नज़दीक है। अंदर पता नहीं मैं कितना कैश, अंदर मुझे आइडिया नहीं है कितना क्या मैं शूट करूं, कुछ की तो शेयर करूंगी, अदरवाइज़ आज का दिन तो मैंने इंजॉयमेंट के लिए रखा है। और देखो दोनों जन जा रहे हैं, रियांश को पानी नहीं पसंद, मतलब उसको डर लगता है कि फिश आएगी मुझे खा लेगी। इसका पैर दुख रहा है, नहीं रश तो नहीं है और ये कवर भी है ऊपर पूरा। और पानी यार टेंपरेरी होता है तो ठंडा नहीं होता। ओके ये देखो, ये एंट्री है, फिश आ जाओ। ओ वाव, आ जा रहे अंश, आवाज भी गूंज रही है। वाटर पार्क में कुछ भी शूट नहीं किया और इसके बाद हम डिनर के लिए गए क्योंकि वाटर पार्क में मैं कंफर्टेबल नहीं थी शूट करने के लिए, और मुझे डर भी लगता है कि मोबाइल वगैरह पानी में ना गिर जाए ये सब, क्योंकि मेरे साथ ऐसे गिरने वाला काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो और जब डर रहता है तो और भी हो जाता है, इसके वजह से मैंने नहीं किया। और ये अभी हम डिनर के लिए आए हैं, यहाँ पर सनसेट लेट होता है इसके लिए आपको इतना उजाला दिख रहा होगा। उस दिन तो कुछ 10:15 के बाद सनसेट हुआ था और रियांश का मेन्यू फिक्स है, पूड़ी और मैंगो लस्सी, और ये वाली होटल पे पहले भी हमने विजिट किया था तो इसका फूड वगैरह अच्छा था, सो इसके लिए हमने सोचा कि यही ऑन द वे पड़ेगा, सो यहाँ पे डिनर करके फिर घर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे और खाना बहुत ही अच्छा था, बहुत ही यम्मी। ये वाला था, यहाँ हाईवे है। नेक्स्ट डे तो एकदम झमाझम बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि ऐसे लग रहा था हम मुंबई में ही हैं,
और बहुत देर तक बारिश हुई थी और जिसकी वजह से क्लाइमेट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि तो इतनी गर्मी थी ना पेरिस में, और बट जो बारिश हुई है तो 3 4 दिन लगातार क्लाइमेट बहुत ही अच्छा रहा है, सो उसकी वजह से दिल खुश हो गया था। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मैंने जो शॉपिंग की थी उसका जो भी मैंने क्या बाय किया है वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग या उसके नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी, और ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज, तो ये ब्लॉग में यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।